बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, ख़ास उन ख़वातीन के लिए जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं और वो इसके लिए बहुत ही परेशान हैं और हर हरबे आजमा चुकी हैं। तो एक बार इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लें, स्किन की झुर्रियाँ मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगी गारंटी के साथ। तो व्यूवर्स, जैसे ही आपकी एज 30 से अबव हो जाती है तो चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखों के गिर झुर्रियाँ, नेक पर झुर्रियाँ होने के साथ साथ हाथों पर भी झुर्रियाँ बन जाती हैं। मीन्स ये कि आप उम्र से बड़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए। बहुत ही आसान और आजमूदा आपके साथ नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। तो रेमेडी जानने से पहले वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेमेडी तैयार कर लेते हैं। तो जी, सबसे पहले हमें चाहिए एक खाली बॉल। आप शीशे का, प्लास्टिक का कोई भी बॉल ले सकते हैं। तो इसके बाद हमें चाहिए एक अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी मैंने इसमें पहले ही शामिल कर ली थी। तो इसके बाद हमें शामिल करना है इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, तो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देती हूँ। और एंड में हम इसमें शामिल करेंगे एक चम्मच रोगने बादाम। आप चाहे कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम ऑयल स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो यकजा हो जाएं और एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो मैं हूँ, तो देखिए व्यूवर्स, मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल एक लई टाइप की बन चुकी है और ईजीली आपके हाथों और चेहरे पर ये लग सकती है। तो अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ, लेकिन इससे पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देख लीजिए, मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा ये। तो ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्स्चर है। अब आपने इस मिक्सचर को चेहरे और गर्दन, हाथों पर अच्छी तरह लगा लें। मास्क की तरह आपने फेस पर लगाना है। इस दौरान आपने कोई बातचीत नहीं करनी, 25 मिनट तक लगा रहने दें और फिर नीम गर्म पानी से चेहरा धो लें। व्यूवर्स, एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि आपने इस मास्क को लगाने के दौरान कोई बातचीत नहीं करनी। स्टिल होके आपने लेट जाना है या बैठ जाना है। अगर आप कोई मूवमेंट नहीं करनी तो आपने इसके बाद नीम गर्म पानी से चेहरा धो लेना है। 25 मिनट इंतज़ार के बाद आपने नीम गर्म पानी से चेहरा धो लेना है। इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से ही चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हफ्ते में दो बार लाजमी इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए बेल बटन दबाकर आल को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसको अपने दोस्तों और अजीज़ों में लाजमी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।